हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु और मेरी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, रक्षाबंधन स्पेशल में आज हम बनाएंगे आटे के नमक पारे, जो कि बाज़ार से भी ज़्यादा खस्ता और कुरकुरे बनेंगे। और सबसे बड़ी बात है, हमने इनको आटे से बनाया है तो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हैं। तो दोस्तों, इस रक्षाबंधन पर इस आटे के नमक पारे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, सबको बहुत पसंद आएंगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ में छोटी सी बेल है उसे भी क्लिक कर लें, ताकि मेरी जो भी वीडियो आएगी ना उसका मैसेज आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आटे के नमक पारे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो चलते हैं किचन में। तो यहाँ सबसे पहले लेंगे एक बड़ी परात। बड़ी परात मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं नमक पारे ज़्यादा बना रही हूँ, बच्चे कॉलेज से आ रहे हैं तो उनके लिए भी बना रही हूँ मैं नमक पारे। तो यहाँ पे मैंने मेजरमेंट करने के लिए कप सेट कराया है, आप कोई कटोरी या कप सेट कर सकते हैं मेजरमेंट करने के लिए। तो मैंने यहाँ 4 कप आटा लिया है। तो आप दोस्तों ये नमक पारे मैदा से भी बना सकते हैं। तो इसमें हम डालेंगे आधी कटोरी सूजी। सूजी हम इसलिए डालें ताकि ये कुरकुरे और लंबे समय तक टिके रहें नमक पारे। और इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और आधी छोटी चम्मच इसमें अजवाइन डालेंगे हाथों से क्रश करके अच्छे से। अजवाइन की जगह आप जीरा भी इसमें डाल सकते हैं, काली मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं आप। तो मोवन के लिए मैं डाल रही हूँ आधी कटोरी रिफाइंड ऑयल। मोवन इसमें ज़्यादा डालना चाहिए, जब भी खस्ता कुरकुरे बनेंगे और लंबे समय तक ये मतलब नमक पारे टिकेंगे। तो अच्छे से ना हम हाथों से मिक्स करेंगे सारे आटे को, जिससे कि हमारी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। हल्के हाथों से मसल मसल के अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए, हमने आटे के साथ ना मसल मसल के अच्छे से मिक्स कर लिया है, और मुट्ठी बांध कर देखेंगे हल्के हाथों से। तो मुट्ठी हमारी बन रही है, इसका मतलब मोवन परफेक्ट डला है इसमें, मोवन आपने अच्छे से डालना है। तो हम एक इसका सख्त डो लगाकर तैयार करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे। सख्त डो लगाकर हमें तैयार करना है, सॉफ्ट डो नहीं लगाना नमक पारे बनाने के लिए। तो देखिए, सख्त डो हमने लगा लिया नमक पारे बनाने के लिए। इसके ऊपर तेल लगाकर 10 मिनट के लिए इसको रख देंगे, जिससे कि सूजी अच्छे से सेट हो जाए। तो 10 मिनट बाद मैं चेक कर रही हूँ इसको, ये देखिए अंदर से जाली कितनी अच्छे से आई है। तो इसका मतलब हमारा आटा परफेक्ट गूंधा है, अच्छे से सेट हो गया हमारा आटा। तो इसके हम आटे के 4 हिस्से करेंगे, एक हिस्सा निकाल लेंगे, बाकी 4 हिस्से हम ढककर रख देंगे, जिससे कि ये ड्राई ना होए। तो बाकी के हिस्से ढककर रख देते हैं और एक हिस्सा निकाल लेते हैं बेलने के लिए। तो ये सारा इस पर ना आपको सूखा आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना इस पर कोई आपको तेल लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने इसको मोवन बहुत अच्छे से डाला है आटे में, तो ये अच्छे से बिल जाएगा, चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी। तो मैं सारा प्रोसेस यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड पर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी स्लैब ना छोटी है। अगर आपकी स्लैब बड़ी है तो आप सारा प्रोसेस ना स्लैब पर कर सकते हैं नमक पारे बनाने का, बहुत अच्छे से बनेंगे स्लैब पर सारे नमक पारे। तो देखिए, चॉपिंग बोर्ड पर मैंने फैला दिया अच्छे से इसको बेल कर। तो हमें रोटी से थोड़ा पतला रखना है इसको, ये देखिए रोटी से पतला रखना है। तो यहाँ मैंने पिज़्ज़ा कटर लिया है नमक पारे कट करने के लिए। तो यहाँ मैं स्क्वायर शेप में इनको कट कर रही हूँ, दो तरह से मैं आपको इनको कट करके दिखाऊंगी। तो देखिए, सारे नमक पारे हमने स्क्वायर शेप में कट कर लिए हैं, तो ये चिपके बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए, सारे नमक पारे हमने इस तरह से कट कर लिए हैं और एक प्लेट में निकाल देंगे। तो घबराने की दोस्तों ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये चिपकेंगे नहीं, हमने मोवन बहुत अच्छे से डाला है इसमें। और दूसरा भी मैंने बेल लिया है, तो मैं नाइफ से आपको कट करके दिखा रही हूँ। देखिए, नाइफ से भी आप कट कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी से कट होगा नाइफ से भी, अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है। तो यहाँ मैं डायमंड शेप में कट कर रही हूँ नमक पारों का, दो तरह से मैं कट कर रहे थे नमक पारे। तो देखिए, डायमंड शेप में हमारे सारे नमक पारे कट हो गए हैं, और आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं कि चिपकेंगे क्या होंगे। अगर चिपक भी गए ना ये सारे नमक पारे, तो कोई बात नहीं, तेल में जाकर ना सारे अलग अलग हो जाएंगे फ्राई करते वक्त। तो एक प्लेट में हमने सारे नमक पारे तैयार कर लिए कट करके। तो चलते हैं फ्राई करने की तरफ इनको। तो गैस पर मैंने तेल रख दिया था पहले ही धीमी आंच पर गर्म होने के लिए, क्योंकि हमें तेल को ना धीमी आंच पर गर्म करना है, ज़्यादा तेल हमें गर्म नहीं करना है। और मीडियम तेल हमारा ना मीडियम गर्म होना चाहिए, हाई तेल हमारा मतलब हाई गर्म नहीं होना चाहिए तेल। अगर तेल ज़्यादा गर्म है तो अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, बाहर से सिक जाएंगे। तो आपने ध्यान रखना है कि धीमी आँच पर तेल गर्म करना है, धीमी आँच पर इनको हमें फ्राई करना है सारे नमक पारे को अलटते पलटते। तो बीच बीच में इनको अलटते पलटते जरूर रहें, जिससे कि चारों तरफ से अच्छे से सिक जाएँ, फ्राई हो जाएँ चारों तरफ से अच्छे से। तो देखिए, हम इस तरह से हमारा पहला बैच तैयार हो गया नमक पारों का, अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो इनको एक प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ, और देखिए जब मैं इनको प्लेट में निकाल रही हूँ ना, आपको आवाज़ आएगी प्लेट में निकालने की, देखना तो आपको आवाज़ से पता चल जाएगा कितने खस्ता और कुरकुरे बने हैं नमक पारे। ये देखिए, मैं यहाँ भी आपको दिखाती हूँ, तो आ रही है ना आपको आवाज़, देखिए कितना खस्ता और कुरकुरे बने हैं। तो दोस्तों, सेकंड बैच भी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे, और देखना ये चिपक रहे हैं ना इस तरह, इस वजह मतलब इस वक्त ये नमक पारे, लेकिन तेल में जाते ही सारे अलग अलग हो जाएंगे।
तो दूसरा बैच भी हमारा बनकर तैयार है। देखिए बस इतना ही सेकना है, इनको ज़्यादा नहीं सेकना। तो यहाँ भी मैं आवाज़ करके दिखाती हूँ, देखना बहुत अच्छे से आवाज़ आ रही, बहुत ही खस्ता और कुरकुरे बने हैं, और हाथों से तोड़ कर भी दिखाती हूँ। तो दोस्तों देखिए आटे के नमक पारे हमारे सारे बनकर तैयार हैं। तो इस रक्षाबंधन पर इस नमक पारे ये रेसिपी को जरूर ट्राई करना। सबसे बड़ी बात है ये आटे के बने हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी है हम सब के लिए। तो दोस्तों मिठाइयाँ तो आपने काफ़ी बना ली होंगी अपने भाइयों के लिए, तो मिठाइयों के साथ साथ इन नमक पारे की रेसिपी को जरूर बनाना। नमक पारे आटे के नमक पारे भी ज़रूर बनाना अपने भाइयों के लिए, उनको बहुत पसंद आएंगे। और सबसे बड़ी बात है आप इनको पिकनिक पर ले जा सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, सुबह की चाय के साथ शाम की चाय के साथ इनको इन्जॉय कर सकते हैं। और इनको ना आप एयर टाइट डिब्बे में बंद कर कर रख दीजिए, भरकर, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे एक महीने तक भी, कभी भी आप इनको इन्जॉय कर सकते हैं एक महीने तक। तो डिब्बे में भरकर इनको आप रख दीजिए। तो दोस्तों मिलती हूँ आपसे इस तरह से एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।